सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर है। सोमवार 4 बजे शाम उनकी अचानक तबीयत बिगड़ती है और उन्हें दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर रखा जाता है। उनके बेटे लगातार उनके हेल्थ का अपडेट दे रहे थे, लेकिन उनके हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने शारदा सिन्हा को न केवल याद किया बल्कि भावुक बात भी लिखी। पीएम मोदी ने लिखा कि सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उनकी गाय मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। आपको बता दें कि इससे पहले जब शारदा सिन्हा की तबीयत खराब थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर उनके बेटे से शारदा सिन्हा का हाल जाना। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा, बिहार कोकिला पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा का निधन दुखद। वे मशहूर लोक गायिका थीं। उन्होंने मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अपनी मधुर आवाज दी। शारदा सिन्हा जी के छठ महापर्व पर सुरीली आवाज में गाए मधुर गाने बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी भागों में गूंजा करते हैं। उनके निधन से संगीत क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। उनकी आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों एवं प्रशंसकों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है। आपको बता दें कि लोक गायिका का निधन 72 साल की उम्र में हुआ और दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। शारदा सिन्हा के योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। एक अजीब संयोग ही कह लीजिए कि छठ को अपनी मधुर आवाज से पूरी दुनिया में पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा का निधन भी छठ के मौके पर ही हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।